तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेशनल हेल्थ आईडी का जो है कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास PHR एड्रेस, जिसको हेल्थ आईडी एड्रेस बोलते हैं, ये एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप जो है अपना हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ आईडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, या नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या नहीं तो आपको क्रोम ब्राउज़र में आके टाइप करना health.ndhm.gov.in। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको हिंदी और इंग्लिश माध्यम से पढ़ भी सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। पढ़ने के बाद जो इसको आपको इससे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं बनाए हैं तो बनाने के लिए जो है जनरेट आईडी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप बना चुके हैं, आपको डाउनलोड करना है, तो आपको लॉगिन के ऊपर यहां पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि वीडियो के शुरू में हम आपको बताए थे PHR एड्रेस, तो जैसे कि इस वाले ऑप्शन में यहां पे आपको अपना PHR एड्रेस डालना है और अपने डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर डालना है, यानी कि आपका कौन सा साल में जन्म हुआ था। तो आपको कुछ इस तरीका से जो फिलअप कर लेना, फिलअप करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर पे सिंपल से आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कुछ मिलता है, जैसे कि फॉरगेट योर हेल्थ आईडी। अगर आप अपना फॉरगेट हेल्थ आईडी PHR एड्रेस अगर नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, और आधार नंबर दे करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वहाँ से डाउनलोड नहीं होगा, बल्कि वहाँ से आपको PHR एड्रेस मिल जाएगा, और वहाँ से फिर से वापस आपको लॉगिन ऑप्शन पर आना है। फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुन करके यहाँ से आप सिंपल रूप से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप आधार में जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP आप चाहते हैं, उससे लॉगिन करना चाहते हैं, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP ला करके उससे करना चाहते हैं, या आपने जो पासवर्ड दिया है उससे करना चाहते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे जिसमें आप सक्षम हो। जैसे कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पर ही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इंटर मोबाइल OTP, यानी कि आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना, बल्कि आपको यहाँ पर OTP डालना है। तो आपको कुछ इस तरीका से जो है अपना OTP यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं देना, बल्कि यहाँ पे कह रहा है आपके मोबाइल में जो बनाए थे नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड, उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, उस OTP यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपके मोबाइल में OTP आ जाएगा, फिर आपको लॉगिन यहाँ पे कर लेना है। OTP देके जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपसे लिखा हुआ आएगा कि योर हेल्थ आईडी कार्ड जो है जनरेटेड हो चुका है, आईडी जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाएगा, और प्रोफाइल के ऊपर में आपका जो है PHR एड्रेस हो जाएगा, आपका जो भी होगा आपका नाम आएगा, और आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से अपना अकाउंट को अगर एडिट करना चाहते हैं, कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं नया, या इसमें अपना नया फोटो लगाना चाहते हैं, सारा चीज़ आप इसी से कर सकते हैं। जब आपका सारा काम हो जाएगा तो अंत में लॉग आउट करके आपको बाहर हो जाना है। तो अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं आपका हेल्थ आई डी कार्ड यहाँ पे है, और डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ देख सकते हैं डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड, इसके ऊपर पे सिंपल से ऐसे ऊपर पे क्लिक करना है। जैसे इनके ऊपर पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, कुछ आ गया ऑप्शन, ठीक ना। तो इस ऑप्शन डाउनलोड के ऊपर पे यहाँ सिंपल से आपको डाउनलोड, ये जो है आपका PDF नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PNG अगेन, यानी यह जो PNG टाइप में है, यानी कि आपके मोबाइल में जो जैसे फोटो होता है PNG रूप में, उसी टाइप में PNG रूप में होगा, यह एक PDF के रूप में नहीं डाउनलोड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसे डाउनलोड के ऊपर पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से आपका देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ से आप जैसे ही इसके ऊपर पे क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ये आपका गैलरी में जाके एकदम से सेव हो जाएगा कुछ इस तरीका से, देख सकते हैं। तो इसी तरीका से आप बहुत ही आसान तरीका से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सी अगर इसमें आप अपना फोटो चेंज करना चाहें तो आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं माई अकाउंट वाला ऑप्शन पे आकर के, आसान रूप से अगर सारा काम इससे हो जाता है आपका। अंत में आपको फिर से क्या करना है, अंत में लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद देखिए फिर से आपका यहाँ से इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो जरूर आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और थैंक यू सो मच।